नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं युवा का मुद्दा, ठीक है। जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये आज आप लोगों को पता होगा कि अपने देश भारत में चरम सीमा पे पहुंच गया हुआ है, ठीक है। अगर हम बिलोंग करते हैं अपने स्टेट बिहार से, और बिहार की बात करें तो ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि ये बिहार की जो समस्या है, बेरोजगारी का समस्या, पलायन का जो समस्या है, वो पूरे देश से सभी स्टेटों से बढ़कर है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाल ही के दिन में 17 सितंबर को जब पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया था, उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। सब युवा संगठन और सभी किसान, सभी लोग ने पूरा नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का काम किया। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो लॉकडाउन लगा, इसमें न जाने कितने सारों का जो मतलब एम्प्लॉय, मतलब जो जॉब उसका खत्म हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कमिटमेंट किया था पिछले इलेक्शन में कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौकरी का पैदा करेंगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों का पता होगा कि 2 करोड़ नौकरी पाना तो दूर की बात है। जो लोग नौकरी ले लिए हुआ है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, उसका कोरोना काल में उसका जॉब छूट भी गया है और छूट गया उसका चला भी गया है। जो अब बात करें अपने बिहार का, बिहार गवर्नमेंट की तो खैर बात ही क्या करें। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बिहार गवर्नमेंट जो भी मजदूर भाइयों जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात से लौट करके आया था कोरोना काल में, यहाँ तक दोस्तों यहाँ तक लाने के लिए भी हमारे सरकार सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर भी विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे के हिसाब से बाद में बुलाया गया। लेकिन बुलाया गया और कहा गया कि हम जो भी हमारे मजदूर भाइयों वहाँ से लौट कर आए हैं, हम सभी को नौकरी देंगे, यहाँ लौट कर जाने के किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कोरोना ये चल ही रहा है, पता चले तो आधा से आधा मजदूर जो आया था वो फिर से लौट कर अपने जहाँ जहाँ काम करते थे वो लौट कर जा भी रहे हैं। दोस्तों, करे तो करे क्या, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सरकार बोल दिया, बस चुनावी मुद्दा आता है, बोल देता है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। और बात करें युवा के रोजगार का, तो पता चले कि 17 में जो फॉर्म भराया, 18 में जो फॉर्म भराया ग्रुप डी NTPC रेलवे का, वो आज तक इसका कोई मतलब कोई अभी तक डेट का नहीं, तो डेट का कोई अनाउंसमेंट हुआ है और नहीं कोई एग्जाम का पता चल रहा कि कब इसका एग्जाम होगा और कब क्या होगा। तो दोस्तों, आजकल जो सारे युवा लोग इकट्ठे होकर के जो सारे यूट्यूबर सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब बेरोजगारी, बेरोजगार, बेरोजगार, इसी तरह से कहीं ना कहीं मेरे पास ऑप्शन भी कम है। अगर करे तो करे क्या, आप हड़ताल करने जाते हो, आप प्रोटेस्ट करने जाते हो, तो आप पर लाठियाँ चार्ज कर जाती की जाती है। तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सोशल मीडिया का आवाज़ उठाने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया मेक इन इंडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ये सब पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके थ्रू हालांकि देखा भी गया है कि कुछ दिन से ये जो ट्रेंड चल रहा है, इसके बावजूद कुछ रिजल्ट भी आई है। हमारे ग्रुप डी के NTPC का एग्ज़ाम अनाउंसमेंट कर दिया गया है और ये सारे एग्ज़ाम 9 या 10 दिसंबर तक होने की चांस है। और हाल ही के कल मेरे पास एक वीडियो आया था, उसमें देखे थे कि UP सरकार जो 17 सितंबर को जो बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया था, उसमें यूपी का सरकार जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो बैठक की थी और अपने सारे युवा सारे रोजगार भर्ती जो भी जितना भी बोर्ड है सभी को 21 तारीख को आसपास मीटिंग बुलाई है और वहाँ जितना भी रिक्त पद है, वहाँ खाली खाली जितना भी रिक्त पद खाली है उसको भरने के लिए वहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी का जो मुद्दा उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सफलता नज़र आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, हमको ज़रूरी है, सिर्फ मेरा नहीं आप सबका ये ज़रूरी है कि इस मुद्दे को हम लोग कंटिन्यू रखें और एक एक के पास, एक एक युवा के पास ये मुद्दा होना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और अपने देश लेवल पर पूरा इस मतलब मुद्दा को बढ़ाना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरकार पूरा सोई हुई है। यहाँ पे क्या मतलब रोजगार के क्षेत्र में तो कोई काम ही नहीं किया जा रहा, शिक्षा के क्षेत्र में तो क्या पता सिर्फ चुनावी मुद्दा ही चला रहा है। अभी चुनाव आने वाली बिहार स्टेट में, तो आप देखिएगा कि एक पर एक लॉलीपॉप आप लोगों को दिया जाएगा कि आप लोगों को ये रोजगार देंगे, वो रोजगार देंगे। लेकिन पता दोस्तों कि बिहार स्टेट 15 साल से सरकार में है, यहाँ पर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर काम कर रही है, फिर भी नतीजा आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, कैसे विश्वास करें कि वो फिर जो दोबारा जीत कर आएगी वो हमारा काम कर देगी। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हम लोग को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और जो मुद्दा हम लोग अभी चला रहे हैं इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसको कंटिन्यू रखते हुए हमको ध्यान देना है कि जो हम लोग बेरोजगारी का मुद्दा जो उठाए हुए हैं, बस उसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है
और आने वाले चुनाव में एक अच्छे सरकार, एक अच्छे युवा सरकार की चयन करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि युवा सरकार इस पर ध्यान दे सकती है और हमारे दुख दर्दों को समझ सकती है। यहाँ तक झारखंड सरकार की बात करें तो भी आजकल देख रहे हैं जो नए नए इम्प्लॉयमेंट, जो रिक्त स्थान है उसके भर्ती करने के लिए नए नए बोर्ड की गठन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें सरकार बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि लंबे समय तक जो सरकार सत्ता में रह जाती है उसको लगता है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हमको खुद सभी जनता लोग जिता ही देता है तो करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात पर हमको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम युवा हैं, ठीक है, और हम युवा जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे अगर बिहार स्टेट की बात करें तो सबको सारे स्टेट के अलावा सबसे ज़्यादा युवा की संख्या है और हम युवा जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने स्टेट बिहार में देखते हैं तो युवा की कोई भागीदारी राजनीति में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे राजनीति को एक गलत मुद्दा समझा जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको इसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम युवा इसमें शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं युवा के लिए फायदे की बात होगा, क्योंकि युवा अगर होगी सरकार में तो युवा ही युवा का मुद्दा उठाने में सक्षम होगी। तो दोस्तों इस बात को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और सारे लोग जो अभी तक हम देखे थे कि बिहार SSC के जो 2012 के आसपास जो फॉर्म भरा था उसका आज तक उसका एग्जाम भी कुछ दिन पहले एग्जाम ले लिया गया था, एक दो साल पहले, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक क्लियर नहीं किया गया। दोस्तों ऐसे कैसे चलेगा? हमारी सरकार कहती है कि हमने शिक्षा मुद्दा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जो भी मतलब भी बहाली भी किया जा रहा है तो सारी संविदा पर बहाली कर दिया जा रहा है, पता चलेगा उसको ये भी पता नहीं होता कि अब कब तक जॉब करेंगे और कब हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और संविदा ही क्यों, परमानेंट क्यों नहीं किया जाएगा? जब संविदा पर बहाली है तो उसका गारंटी दीजिए कि आप कितने दिनों के अंदर उसका परमानेंट कर दी जाएगी। तो इस पर भी सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो इसलिए हम सबको मिलजुल कर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और इस मुद्दे को एक ऊँची ऊँचाई तक ले जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे आवाज़ों को बुलंद कीजिए, ठीक है। और जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो फिर से हम इस मुद्दे को उठाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।